वेलकम टू ओएल एक्सपर्ट। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ध्यान रखिएगा, स्पोकन हो, रिटन हो, कैसी भी इंग्लिश आप पढ़ें, बोलें, लिखें, या आप एसएससी के किसी एग्जामिनेशन का एरर डिटेक्शन वाला पॉइंट सॉल्व कर रहे हो, हर जगह आर्टिकल्स एक ऐसा चैप्टर है, इसके बिना कभी भी रिटन या स्पोकन पार्ट इंग्लिश का कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। ये एक ऐसा पार्ट है जो मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लमेटिक लगता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, माइंड यू, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि ये इतना ज़्यादा कुछ जगहों पे कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि हिंदी में आर्टिकल जैसी उसके समानांतर या पैरेलल बेसिस पे कोई और पार्ट ऑफ स्पीच नहीं मिलती है जो उसे कंपेयर करके समझने में आसान बनाए। इस वजह से आर्टिकल को समझने में हम इंडियंस को बहुत समस्या आती है, लेकिन आज मैं इनको जैसे बताने जा रहा हूँ बहुत सिंपल है, और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कभी भी आर्टिकल गलत नहीं होगा, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल के कंसेप्ट की। कंसेप्ट मतलब बेसिक आइडिया क्या है। हम मान के चलते हैं आप में से कुछ लोगों ने आर्टिकल कभी नहीं पढ़ा है, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं। हम मान के चलते हैं किसी भी लेवल पे आप हों, लेकिन आपको कुछ नई चीज़ ज़रूर मिलेगी आज के सेशन में, दैट्स अ प्रॉमिस, ठीक है। देखिए कैसे रूल्स या लॉजिक्स ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल्स। सबसे पहले हम आर्टिकल्स में इंडेफिनेट आर्टिकल्स को क्यों लाते हैं, क्योंकि ये दोनों ए और एन, ये दो आर्टिकल्स होते हैं। पहले इन्हें समझा जाता है, डेफिनेट आर्टिकल को भी हम समझेंगे लेकिन बाद में, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल तक पहुँचने के लिए इंडेफिनेट को समझना ज़रूरी है। जब इंडेफिनेट समझ में आया तब डेफिनेट समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा ना। देखिए कैसे, डेफिनेशन क्या है, ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स या डिटर्मिनर्स इन ग्रामर लाइक एडजेक्टिव्स, दे आर यूज टू डिफाइन नाउन्स बट आर लिमिटेड टू द लॉजिक्स ऑफ सिंगुलर, प्लूरल और स्पेसिफिक। आर्टिकल्स जो होते हैं ये डिटर्मिनर्स ए एंड द, ए एन और द, ये तीनों डिटर्मिनर्स या आर्टिकल्स कहलाते हैं ग्रामर में, एडजेक्टिव्स की तरह ही। हिंदी में विशेषण, इंग्लिश में एडजेक्टिव का क्या काम होता है, इनका काम होता है नाउन की विशेषता बताना, गुण दोष अच्छा बुरा सही गलत बताना, किसका, नाउन का, ठीक। तो नाउन प्रोनाउन दोनों की ही विशेषता बताने वाले शब्द हिंदी में विशेषण, इंग्लिश में एडजेक्टिव होते हैं। वैसे ही ए एन का और द का इस्तेमाल किया जाता है, ये तीन आर्टिकल्स क्या करते हैं एक्चुअल में, ए एन और द ये नाउन्स के बारे में ही जानकारी देते हैं। इन तीनों का काम क्या है, नाउन के बारे में ही जानकारी देना, और क्या जानकारी देना कि नाउन्स को डिफाइन करते हैं कि नाउन जो होते हैं वो किस प्रकार के हैं, और नाउन का सिंगुलर होना, प्लूरल होना और स्पेसिफाइड होना, ये तीन चीजें हम किससे जान सकते हैं, ए एन और द से। कैसे, इस प्रकार कि अगर नाउन सिंगुलर है तो उसके पहले ए और एन मिलेगा, अगर वो प्लूरल है तो ए और एन नहीं मिलेगा, और अगर वो स्पेसिफाइड है तो उसके पहले द होगा। कुछ बात समझ में आई, सिंगुलर नाउन है कैसे कंफर्म होगा, मैं कैसे मान लूं सिंगुलर है, सिंगुलर तब मानेंगे जब ए और एन लगा होगा, अगर प्लूरल है तो ए और एन, प्लूरल है तो ए और एन नहीं होगा, और अगर स्पेसिफिक बात कह रहा है कोई खास व्यक्ति वस्तु या जगह के बारे में कह रहा है तो द का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, स्पेसिफिक के लिए। बेसिक लॉजिक है तीनों का। एग्जाम्पल्स, पहले एग्जाम्पल देखते हैं, अ बुक, अ चेयर, अ टेबल, अ कैप, एन आइडिया, एन एप्पल, द बेस्ट, द वर्स्ट, एडजेक्टिव्स, कौन कौन सा एडजेक्टिव है, ये और ये एडजेक्टिव है, ठीक। अब ध्यान से समझिए, कोई भी नाउन अगर सिंगुलर है तो उसको सिंगुलर साबित करने के लिए उसके पहले या तो आपको ए लगाना पड़ेगा और या आपको एन लगाना पड़ेगा, ठीक। अब ये भी बात होगी कि ए और एन, कब एन और कब ए आएगा, वो एक अलग बात है, वो अभी हम नहीं कर रहे हैं बात, अभी हम बात कर रहे हैं ए और एन सिंगुलर नाउन्स के पहले आते हैं। एक बुक, एक चेयर, एक टेबल, एक कैप, एक आइडिया, एक एप्पल, या कोई चीज अगर कोई स्पेसिफिक वर्ड है तो उसके पहले द आता है, जैसे कि एडजेक्टिव्स का ही रूल है कि अगर कोई एडजेक्टिव हाईएस्ट डिग्री का होता है, सुपरलेटिव डिग्री, जैसे हम कहते हैं गुड, बेटर, बेस्ट,
तो हाईएस्ट क्वालिटी को बताने के लिए उसके पहले क्या यूज होता है, द का यूज होता है। ठीक, तो किसी पर्टिकुलर वर्ड के पहले हो रहा है ना, तो स्पेसिफिक है, इसलिए द का यूज होता है। तो ये तो हमने क्या बताया आपको, बेसिक आइडिया दिया और सिर्फ एग्जाम्पल्स दिए डेफिनेशन को समझाने के लिए। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर रूल्स और लॉजिक्स ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन के लॉजिक्स। ए और एन किस वर्ड के पहले लगेंगे, क्यों लगेंगे और कब लगेंगे। लॉजिक्स कहता है ए और एन का क्या है कि ए और एन आर इंडेफिनेट आर्टिकल्स एंड आर यूज बिफोर अ नाउन टू एक्सप्लेन दीज डिटेल्स। इन डिटेल्स को बताने के लिए उस नाउन के पहले ए और एन का यूज करेंगे जिस नाउन में कुछ ये पर्टिकुलर स्पेसिफाइड कंडीशंस हो जो यहाँ पर मेंशन है। कैसे, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आता है। दिस इज अ बुक, दिस इज अ चेयर। अब ध्यान से देखिएगा, यहां अ बुक का मतलब क्या है, वन बुक। यहां अ चेयर का मतलब क्या है, वन चेयर। अगर ऐसा है तो फिर हम ये क्यों लिखें, फिर हम इसकी जगह पर दिस इज वन बुक, दिस इज वन चेयर क्यों ना लिखें, क्यों ना बोलें। लेकिन आपने सुना होगा दिस इज अ चेयर, दिस इज अ बुक, अ बोलते हैं, ए बोलते हैं, लेकिन किसी भी हालत में वन नहीं बोलते हैं। क्यों पता है, क्योंकि यहां पर एक लॉजिक आ जाता है। नोट, इन दीज सेंटेंसेस वन इक्वल्स टू ए और एंड टू इंट्रोड्यूस अ सिंगुलर कॉमन नाउन और टू मेंशन एनी वन पर्सन प्लेस और थिंग। इसका लॉजिक यह है कि इन वाक्यों में ए और एन का इस्तेमाल इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया गया है सिंगुलर कॉमन नाउन को, को भी कॉमन नाउन हो, मतलब काउंटेबल नाउन। बुक और चेयर को हम फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, तो कॉमन या काउंटेबल नाउन्स के सिंगुलर होने की बात को कंफर्म करने के लिए हम उसके पहले वन का यूज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वन न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर किसके है, ए और एन के, इससे न्यूमेरिकल वैल्यू वन ना बोलना पड़े ना लिखना पड़े, इसलिए क्या इजाद कर दिया गया लैंग्वेज में, ए और एन। इसीलिए सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले वो सिंगुलर है कंफर्म करने के लिए, वन न्यूमेरिकल वैल्यू को हटाने के लिए और उन्हें इंट्रोड्यूस करने के लिए उनके पहले क्या यूज किया जाता है, उनके पहले यूज किया जाता है ए आर्टिकल यूज किया जाता है, और या फिर ए या फिर एन का यूज होता है। ठीक है, और इसीलिए यहां पर वन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, दिस इज अ बुक, दिस इज अ चेयर, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू वन को ना बोला जाता है ना लिखा जाता है, तो उसकी जगह क्या आ जाता है, ए या एन। अभी हमने ये बात नहीं की है कि ए कब आएगा और एन कब आएगा, ये दोनों के उच्चारण या प्रोनंसिएशन पे बेस्ड होता है जो आगे है। फिलहाल कंफर्म, क्योंकि जहां पर ए आ सकता है वहीं पर एन की पॉसिबिलिटी बनेगी, सिर्फ साउंड का खेल होता है उच्चारण या प्रोनंसिएशन का। और द बुक इज माइंड में देखिए आप, द का इस्तेमाल क्या क्यों कर रहा है, ये उसी चेयर के बारे में बात करने के लिए जिसे पहले वाक्य में बता चुके हैं। तो पहले से बताई गई वस्तु को सेकंड टाइम मेंशन करते हैं तो उसके पहले क्या लगता है, आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ये आर्टिकल द का बेसिक लॉजिक है। व्हेन यू मेंशन अ कॉमन नाउन फॉर द सेकंड टाइम वी यूज द टू रिफर इट टू बैक टू द नाउन रेफर्ड ऑलरेडी। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या है, एनी वन पर्सन प्लेस और थिंग का कंसेप्ट आता है, ए और एन का कंसेप्ट होता है, एनी वन पर्सन प्लेस और थिंग। दिस इज अ बुक, दिस इज अ चेयर कहा तो हमें क्या पता चला, कौन सी बुक कौन सी चेयर, क्या हमें अ बुक कहने से पता चला कौन सा सब्जेक्ट है बुक का, नहीं। क्या हमें यह पता चला कि बुक में कितने पेजेस है, नहीं। क्या राइटर कौन सा है पता चला, नहीं। ना ही हमें यह पता कि उस बुक में जो लॉजिक दी गई है वो कायदे की है, अच्छी है या बेकार बुक है। तो ये सब डिटेल्स क्या है, इंडेफिनेट है, कन्फर्म नहीं है। इसीलिए तो ए और एन को इंडेफिनेट आर्टिकल कहा गया है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू वन को हटाते हैं सेंटेंस से और साथ में सिंगुलर होने का कंफर्मेशन देते हैं, और साथ में एक काम और करते हैं, एनी वन पर्सन प्लेस और थिंग की बात कर रहे हैं, स्पेसिफाइड नहीं बताते हैं। ठीक है, ठीक है। इसीलिए ए और एन का मतलब क्या होता है, इंडेफिनेट, क्योंकि वो पर्सन प्लेस और थिंग जिसको संख्या में एक ये बताते हैं, उसकी कोई डिटेल्स, खास डिटेल्स कि क्या है एक्चुअल में, क्या नाम है, ये सब नहीं कन्फर्म करते हैं। एनी पर्सन पर प्लेस ऑफ थिंग, लेकिन संख्या में एक है तो ए और एन लगेगा। ठीक, ऐसे समझना आसान है। अब देखिए, डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल्स ए एंड एन, प्रोनंसिएशन। ध्यान रखिएगा, ए और एन का डिफरेंस जो होता है वो सिर्फ प्रोनंसिएशन या उच्चारण बेस्ड है। अगर उच्चारण में गलती है तो फिर प्रॉब्लम है, अगर उच्चारण सही है तो कभी गलती नहीं होगी।
सिंपल सा याद रखिए, कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवल साउंड आपने बचपन से जुड़े हुए हैं। एंड माइंड यू, ये वॉवल साउंड्स नहीं है, वॉवल साउंड्स हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड वॉवल साउंड्स। इनको आप क्या कहते हैं हिंदी में, इनको कहते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं, बी सी डी ई एफ, जो हो गया ई को छोड़ देते हैं, एफ जी एच जे, ये सब क्या है, ये सब कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, मतलब व्यंजन होते हैं। और वाल साउंड्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू एक्सेट्रा, ये होते हैं। बचपन में भी बताया गया था कि ए ई आई ओ यू आते पर बेटा एन का यूज करना, ये बताया गया था, लेकिन उस समय किसी ने ये नहीं बताया था कि ये लेटर्स से रिलेटेड नहीं है, ये साउंड से रिलेटेड है। और आसानी समझिए, कंपेयर इन हिंदी फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीन्स हिंदी में कंपेयर करेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो उसका सही तरीका हम आपको बता दे रहे हैं, ये इंग्लिश के तरीके से अगर प्रॉब्लम हो समझने का कि किसी भी वर्ड को बोलने में सुनने में अगर इनके साउंड्स से, साउंड्स साउंड्स मतलब उच्चारण से टैली कर जाए, मैच कर जाए, तो आप क्या यूज करेंगे, आप एन का यूज करेंगे, और अगर इनके साउंड से, प्रोनंसिएशन से मैच कर जाए तो अ का यूज करेंगे। ये बेसिक आइडिया है। इसको और आसान कर देते हैं कि अगर हम बात करते हैं क से य के बीच में किसी वर्ड का उच्चारण आता है बोलने लिखने समय हिंदी के, किसके, हिंदी के, तो अ का यूज करेंगे। और अगर अ से अह तक का उच्चारण आता है बोलने लिखने में तो आप बोलते समय तो क्या यूज करेंगे, एन का। ये सबसे सिंपल तरीका है, ये इसे अप्लाई कर गया और ये इसे अप्लाई कर गया, सबसे सिंपल तरीका है। सोच के देख लीजिए, कोई भी वर्ड हिंदी के हिसाब से अगर सही आप उच्चारित कर पा रहे हैं तो 101% आंसर आप सही ही करके आएंगे, फिर गलत नहीं करके आएंगे। देखिए कैसे हम सीधे वर्ड ले लेते हैं ना, वर्ड लेते हैं, उससे मामला क्लियर हो जाएगा। बुक, कौन सा साउंड आया, ब का, तो क्या लगेगा, अ बुक। टेबल, क्या साउंड आया, ट का, क्या आएगा, अ। हमने कहा चेयर, च की आवाज आई, अ आया। हमने कहा एप्पल, अब साउंड क्या आया, एप्पल, तो ए का साउंड आया, तो एन एप्पल। अम्ब्रेला, क्या पढ़ा आपने, यू से लिखा था लेकिन पढ़ा क्या था, अ अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अ का साउंड आया, एन। इंडियन, इंडियन, ई का साउंड आया, क्या आया, एन। अम्पायर, अ म पायर, अम्पायर, एन का यूज किया। बात समझ में, सारा खेल उच्चारण का है और किसी चीज का नहीं है। नेक्स्ट में देखते हैं, ऑक्स, हमने कहा बैल, हमने कहा ऑक्स, तो ऑक्स में ओ का साउंड आया, एन ऑक्स। ऑनेस्ट मैन, इसमें जो एच है ये क्या होता है, साइलेंट होता है, ऑनेस्ट थोड़ी पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, इसीलिए ओ का साउंड आया, तो एन ऑनेस्ट मैन। इसी तरह से एन ईव, इवनिंग को भी कहते हैं हम शॉर्ट में, ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस सुना होगा, तो एन ईव या ईवी, हमने कहा तो एन का साउंड आया क्योंकि ई का साउंड आया, एन इवनिंग। आर, क्या पढ़ते हैं, आर, एच इसमें भी क्या रहता है, साइलेंट, तो क्या आएगा, एन आर। उसी तरीके से एक्सरे, तो ए क स, तीन साउंड से मिला करके क्या बना, एक्सरे, ए का साउंड आया, तो क्या आएगा, एन। उसी तरह से एन एम पी, एन एम एल ए, एन एम ए और एन एम बी ए, लेकिन ध्यान रखिए इसके साथ ये भी सही है, ये भी सही है, कैसे, इन वर्ड्स को अगर पूरा बोलेंगे तो साउंड चेंज हो जाएगा, फिर म की आवाज आएगी और फिर यूज होगा अ का। कैसे, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अ मास्टर इन या ऑफ आर्ट्स, अ मास्टर इन या ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्योंकि मास्टर में म की आवाज आई इसलिए एन की जगह पर अ का यूज हुआ। वैसे ही ये दोनों यहां भी आएंगे, एन एनसीसी ऑफिसर, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो एनसीसी ऑफिसर, एनजीओ, एन एनजीओ हो जाएगा, लेकिन पूरा बोलेंगे तो अ, तो फिर अ आ जाएगा। अ नॉन, अगर इस वाले के लिए कहा तो पूरा से बोलेंगे तो क्या होगा, अ नेशनल क्रेडिट कोर ऑफिसर, अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो न की आवाज आएगी तो क से ग के बीच में है इसलिए एन की जगह अ का यूज किया जाएगा। वैसे ही ई, बड़ा ईक वाला ई, तो क्या लगा, एन। और वाई ई ए आर का उच्चारण हिंदी में सिर्फ य है और कुछ नहीं है, और य ईयर है ही नहीं, हम गलत उच्चारण करते हैं, हम बोलते हैं ईयर जबकि है क्या, य, तो य है तो क्या आएगा, अ य, आई मेट हिम आफ्टर अ य। एस डी ओ, एस आई, एस पी या एफ आई आर, एफ आई आर, हमने कहा
एस पी हमने कहा, एस आई हमने कहा, एस डी ओ, तो ए और स का साउंड आ रहा है, इसलिए क्या यूज होगा, एन एस डी ओ, एन एस आई, एन एस पी, एन एफ आई आर। और जब इसे पूरा बोलेंगे तो स की आवाज आएगी, तब आवाज चेंज क्या हो जाएगी, स की, और जब स आएगा तो अ का यूज होगा, अ सब डिविजनल ऑफिसर, अ सब इंस्पेक्टर, अ जो है एसपी हमने कहा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अगर हमने कहा अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो अब जो साउंड था वो बदल गया, तो इसीलिए क्या यूज किया गया, अ का यूज किया, एन का यूज नहीं किया गया। कुछ बात समझ में आ रही है, इस तरह से वर्कआउट होती हैं ये चीजें। नेक्स्ट में होली बुक, मतलब एक धर्म ग्रंथ, तो हमने ह का साउंड आया ना, तो अ होली बुक। यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी, भाई य की आवाज आ रही है इसमें, वैसे हमने कहा यूनिकॉर्न, अ यूनिकॉर्न, एक माइथोलॉजिकल टेल के घोड़े को कहते हैं जो जिसके सींग हुआ करते थे, उसे यूनिकॉर्न कहा गया है, ठीक है, एक किसी ग्रीक या रोमन माइथोलॉजी का एक कैरेक्टर है, ठीक है, उड़ने वाला घोड़ा जिसे कहते हैं यूनिकॉर्न, तो क्या लगा, य में ऊ की मात्रा है तो अ यूनिकॉर्न। यूरेनियम रॉड, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो यूरेनियम में य की आवाज आ रही है, इसलिए अ यूरेनियम रॉड। यूजफुल आइडिया में भी क्या है, य में ऊ की मात्रा है, यूजफुल आइडिया, अ लगेगा। ऑकवर्ड सिचुएशन, अब देखिए अजीब सी सिचुएशन मतलब ऑकवर्ड सिचुएशन, तो अ का साउंड आया, एन ऑकवर्ड सिचुएशन। एन एंटी सोशल एलिमेंट हमने कहा, अगेन क्या आया, एन एंटी सोशल, क्योंकि एन टी है, वैसे ही एंटी नेशनल स्लोगन, एन एंटी, तो यूज किया ना, तो एन का यूज हुआ। होटेल, इसका प्रोनाउंसिएशन ह से स्टार्ट होता है, ह श श के शब्द ज्ञ, इसीलिए अ होटेल होगा, एन होटेल का यूज नहीं करेंगे, वो अमेरिकन करते हैं, ठीक है। ऑनरेबल मैन, लिखा एच से गया लेकिन पढ़ा क्या गया, ऑनरेबल, तो अ का साउंड आया, तो एन ऑनरेबल मैन हो गया, ठीक है, इस तरह से ये वर्ड लॉजिक काम करता है। और लास्ट पॉइंट पे देखते हैं, हमने कहा एच ई आई आर, हियर का मतलब जो पढ़ा जाता है वो ए पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, ए, ए का मतलब उत्तराधिकारी होता है, सक्सेसर होता है, किसी राजगद्दी पे राजा के बाद बैठने वाला उसका जो लड़का होगा उसे उत्तराधिकारी, या जिसे राजगद्दी मिलेगी उसे ए कहा जाता है, दैट इज इन इंग्लिश ए, तो ए है तो एन एयर। IAS ऑफिसर, चाहे फुल फॉर्म बोले चाहे शॉर्ट फॉर्म बोले, इसमें तो एन ही लगेगा, एन IAS ऑफिसर या एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर। MBBS, MBBS, तो जब शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे तो एन MBBS, जैसे यहां पर लिखा एम से गया है लेकिन पढ़ा जाएगा बी से, दैट इज बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, ये बड़ा अजीब सी बात है, लिखा MBBS जाता है लेकिन पढ़ा जाता है बी से, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, तो ब का साउंड आया, इसलिए अ का यूज होगा अगर इसे पूरा लिखेंगे या बोलेंगे तो, ठीक। यहां तक आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। अब इसके बाद कुछ सेंटेंसेस विद एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम, ठीक है, कि विद एग्जाम्पल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। He is a doctor. Singular है, अ का साउंड आया, a doctor. My friend is an engineer. An का यूज हुआ क्योंकि engineer में किसका साउंड आया, E का साउंड, engineer. इसी तरह से an, उसी तरीके से an elephant is a huge animal. तो elephant में E का साउंड आया, an elephant. A का साउंड आया तो an का यूज किया. वैसे a dog is the best friend of man. तो dog, d का साउंड आ रहा है तो a का यूज किया गया, इस बार an का यूज नहीं किया जाएगा. It is a useful book. देखिए use में य की आवाज आई, अ लग गया. A meter is a unit of measuring distance. ठीक, a unit, a meter. He is reading an English poem. तो poem तो singular है तो क्या लगा, an, लेकिन an किसके लिए आया, e के लिए, क्योंकि ये sound किसका था, e का sound था. Today the train is at least an hour late. तो देखिए hour के पहले an आया है क्योंकि a का sound आ रहा है. There is a bench. Bench singular है, b का sound है. A bench at the end of the hall. I met a European. तो ये European नहीं पढ़ा जाता, पढ़ा तो Europe से European जाता है ना. चाहे e आ रहा हो उससे क्या फर्क पड़ता है, इसीलिए क्या use होगा, That is a का use होगा, an का use नहीं होगा. नेक्स्ट में he is an employee of this organization. तो employee में e का साउंड आया तो n आ गया.
ओरेटर मतलब बहुत अच्छा, जो बोलना जानता हो, समझाना जानता हो, बहुत एक्सप्रेसिव हो, ओरेटर हो, जिसके ऊपर भाषा की कमांड हो जिस व्यक्ति को। एन ओरेटर मीन्स वक्ता जिसे कहते हैं, ठीक है। वॉट अ नाइस आइडिया, ध्यान रखिएगा जब भी कभी हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं और नाउन सिंगुलर होता है, एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो आता है, लोग कहते हैं व्हाट अ नाइस आइडिया, सुना ही होगा, व्हाट एन आइडिया सर जी, ठीक। व्हाट अ प्रीटी ड्रेस, कितनी बढ़िया ड्रेस है, अ प्रीटी ड्रेस्ड। अ किसके लिए आया, कॉमन अकाउंटेबल नाउन के लिए, ये किसके लिए आया, इसके लिए आया। ये दोनों वर्ड्स क्या होंगे यहाँ पर, ये दोनों वर्ड्स क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। व्हाट अ करेजियस मैन, तो अ किसके लिए आया, इसके लिए आया। व्हाट अ करेजियस मैन ही इज, कितना बहादुर या साहसी व्यक्ति है ये। इसी तरह से व्हाट काइंड ऑफ अ डॉक्टर योर ब्रदर इज, किस प्रकार का डॉक्टर है तुम्हारा, मींस क्वेश्चन कर रहे हैं उसकी प्रोफिशिएंसी या एबिलिटी पे। ये व्हाट काइंड ऑफ अ डॉक्टर, डॉक्टर सिंगुलर है, इसने क्या लगाया, अ का यूज हुआ है। व्हाट काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन इट इज, ये किस प्रकार का सॉल्यूशन है, अनसर्टेन है, मीन्स ऑकवर्ड है, अजीब सा है, समझ में नहीं आ रहा है। ही यूजली गोज टू बेड, अब देखिए गोज टू बेड हो गया, गोज टू स्कूल हो गया, इसमें आप देख रहे हैं ध्यान से देखिए, गोज गोज टू टू स्कूल या बेड, क्या बता रहा है, लोकेशन, लेकिन साथ में बता रहा है मोटिव। अगर कहीं पर मोटिव शामिल हो, जिस जगह आप जा रहे हैं, जिस काम के लिए जा रहे हैं, उसी काम के लिए वो जगह बनी है, तो फिर कोई आर्टिकल नहीं आता। जैसे ही यूजली गोज टू बेड, ये आप क्या बता रहे हैं, किसी का डेली रूटीन बता रहे हैं। गोज टू बेड का मतलब क्या है, सोने जाता है, तो यहाँ ए एन का यूज नहीं किया जाएगा, ना द लगे, गोज टू द बेड, गोज टू अ बेड नहीं होगा। That is, क्योंकि वो वहां पर एक रेगुलर एक्टिविटी बता रहा है। चिल्ड्रन गो टू स्कूल, मॉर्निंग बच्चे स्कूल जाते हैं, तो जनरल सी बात है, कोई पर्टिकुलर स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम किसी भी तरह से यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक यूजुअल हैबिचुअल या रूटीन है, एक्शन है। ही केम टू स्कूल ऑन फूट, अब देखिए ऑन फूट जब लिखेंगे, जैसे पैदल को चलने को क्या कहते हैं, ऑन फूट, तब भी ऑन और फूट के बीच में कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। शी इन्वाइटेड मी टू लंच, अब देखिए लंच डिनर जैसे वर्ड्स के पहले भी जब प्रिपोजिशन लगता है तो इन दोनों के बीच में नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आता है, ठीक। ये कुछ बने बनाए फ्रेज हैं, समझदारी इसमें, इसको याद कर लिया जाए, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई, आई होप आज के सेशन में, आज की क्लास में आपको बहुत सारी चीज समझ में आई होंगी। हमने डिटेल्स एग्जाम्पल भी लिए, बेसिक कंसेप्ट भी समझाया, जो आगे आपको काम आएगा बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।